रसोई के सफर में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया है टमाटर जूस। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और यह गुणकारी तो होता ही है। इसे बनाने के लिए हमें अच्छे पके हुए लाल टमाटर की आवश्यकता होगी। टमाटर का रंग जितना अच्छा होगा, जूस भी उतना ही अच्छा बनेगा। इसे बनाने के लिए मैंने 4 मध्यम आकार के टमाटर लिए हैं और इसे चॉप करके रखा है। अब हमें इसे ब्लेंड करना है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर डाला है। शक्कर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक हम इसमें डालेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हमें इसे छानना होगा, जिससे कि बीज और छिलके अलग हो सकें। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा पानी हम डालेंगे और इस तरीके से इसे हम छान लेंगे। देखिए, इसके बीज और छिलके अलग हो गए हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच सौंठ डालेंगे, 1 चम्मच नींबू का रस। अब ये जूस तैयार है। सर्व करने से पहले हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फ्रिज में हम इसे आधा घंटा के लिए रख लेंगे, जिससे कि यह ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से तैयार हो गई है हमारी ये जूस। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जूस की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको यह कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।